जैसा कि कहा जाता है कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते, तो चलिए आज ढूंढते हैं देवों के देव महादेव को। हमारे प्रिय महादेव कहाँ रहते हैं यह कोई नहीं जानता है। भगवान कैसे दिखते हैं यह हमारी अवधारणा है कि भगवान का रंग रूप किसी विशेष प्रकार का है। उस परमात्मा रूपी रूप को पहचानना और उस तक पहुंचना केवल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, लेकिन एक रास्ता है जिसे पाकर मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव जो पुराणों में वर्णित है वे आज भी हमारे बीच है, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं। भोले शंकर आज भी अपने परिवार के साथ विशाल कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन उन तक पहुंचकर उनके दर्शन करना नामुमकिन सा है। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी शक्तियां हैं जो उसके वातावरण में समाई हुई है। क्या आप जानते हैं कि इस दुर्गम और रहस्यमय पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच पाया है सिवाय एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा के, जिन्होंने 11वीं सदी में इस यात्रा को सफल किया था। शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़े अनेक ऐसे तथ्य हैं जिन पर महान वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जा रहे हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार उस भोले के निवास के रहस्य को भाप पाना किसी के साधारण मनुष्य के बस में है ही नहीं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध के मुताबिक दुनिया में एक्सिस मुंडी नामक एक केंद्र बिंदु है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच का संबंध एक बिंदु है जहां चारों दिशा मिल जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एक्सिस मुंडी पर अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह बिंदु कुछ और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही है जहां शिव की कृपा से अनेक शक्तियों का प्रवाह होता है। कैलाश पर्वत की वास्तविक विशेषताओं की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 6638 मीटर है। ऊंचाई के संदर्भ में कैलाश पर्वत दुनिया भर में मशहूर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा नहीं है, लेकिन इसकी भव्यता ऊंचाई में नहीं बल्कि इसके आकार में है। यदि आप कैलाश पर्वत को ध्यान से देखें तो इसकी चोटी की आकृति बिल्कुल शिवलिंग जैसी है जो वर्ष भर बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। कैलाश पर्वत की चोटी के बाद अगर इसके भूभाग को देखा जाए तो यह चार महानदियों से घिरा है, अर्थात यह चार नदियों का उद्गम स्थल भी है जिनमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज व कर्णाली है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बती धर्मगुरु कहते हैं कि इसके चारों ओर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है। यह शक्तियां आम नहीं बल्कि अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। चलिए जानते हैं इस कैलाश पर्वत के रहस्य व इसके गृह संसार के बारे में। आज पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है, यह बात हर किसी को पता है। इस बात का वर्णन शिव पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है। इसमें कैलाश पर्वत की पौराणिक महिमा का वर्णन भी मिलता है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर ही भगवान शिव का निवास स्थान है। वहीं मन में एक कौतूहल उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना, इसके पीछे क्या रहस्य है। एक्सिस मुंडी को ब्रह्मांड का केंद्र या दुनिया की नाभि भी माना जाता है। आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, चारों ओर से दसों दिशाएं मिल जाती है। यह नाम एक्सिस मुंडी दुनिया के सबसे पवित्र कैलाश पर्वत से संबंधित है। यह वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता रहता है। आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं कि वैज्ञानिक ने उस स्थान को कैलाश पर्वत ही बताया है। इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कैलाश पर्वत के धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया है ताकि वह स्थान से पूरी सृष्टि का संचालन कर सके। कहा जाता है कि जहां भगवान है वहां किसी मानव का पहुंचना कठिन है, इसीलिए कैलाश पर्वत पर देवताओं का स्थान है जहां किसी व्यक्ति का पहुंच पाना संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियां स्वयं नहीं चाहती कि कोई मानव इस पर चढ़ सके। यह परम आश्चर्य ही है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमय शक्तियों के द्वारा रोके जाने के कारण कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। अनेक लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन वे सभी असफल रहे। कैलाश पर्वत के रहस्य को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोग महसूस किया करते हैं। उन्हें आभास हो जाता है कि इस पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। कैलाश पर्वत पर न पहुंचने के पीछे बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं।
शिव जी के निवास स्थान होने के कारण कोई जीवित व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच पाता। मरने के बाद जिसने कभी कोई पाप न किया हो वही कैलाश फतेह कर पाता है। इन दंत कथाओं में पता लगाने के लिए 1999 में रूस ने पर्वतारोहियों की एक टीम बनाई। इस टीम में भौतिक विज्ञान, भूविज्ञान के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस टीम ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसके निर्माण प्राचीन काल में किया गया है। यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है जो कि पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। यह गीजा के पिरामिडों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वहाँ समय बहुत तेजी से गुजरता है। एक पर्वतारोही ने अपने किताब में लिखा था, इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है, दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहाँ पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। यह जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। कुछ समय पहले रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई चितस्कोव ने पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। वह पर्वत के नजदीक तक पहुंच गए लेकिन वह ऊपर चढ़ाई किए बगैर ही वापस लौट आए। जब से उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें बताई। उन्होंने कहा कि जब वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे तो अचानक उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उस पर्वत के ठीक सामने खड़े थे जिस पर उन्हें चढ़ाई करनी थी, लेकिन उनका शरीर एकदम से कमजोर पड़ गया था। उनके दिमाग में यह ख्याल आने लगा कि उन्हें इस पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए। यह सोचकर वह तुरंत वहां से वापस लौट आए। जैसे ही वह इस पर्वत से थोड़ा दूर हुए उनकी स्थिति पुनः सामान्य हो गई। कैलाश पर्वत के बर्फ से ढके हुए 21,718 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है। इसके प्रदेश को मानस खंड भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत से डमरू और ओम की आवाज प्रतिध्वनित होती रहती है। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में पहुंचने पर ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस स्थान पर एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लगातार एक आवाज सुनाई देगी जैसे कि आसपास कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि का इस तरह का समागम होता है, यहाँ से ओम की ध्वनि सुनाई देती हो। वही मानसरोवर झील के पिघलने पर मृदंग की आवाज आती है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज भी सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह मृदंग की आवाज है। मान्यता यह है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने और यम द्वार की 11 परिक्रमा लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वह हमारे धरती का केंद्र बिंदु है। यह वह स्थान है जहां पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां प्रवाहित होती है। यही वह स्थान है जहां से विश्व में बहने वाली सभी नदियों का उद्गम होता है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से चार नदियों का उद्गम हुआ है। यह नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती व चीन के अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में चार जानवरों के मुख हैं जिनमें से इन नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का और उत्तर में शेर का मुख है, दक्षिण में मोर का। ये नदियां अपने निर्मल जल से पूरी धरती को पवित्र कर देती है। यहाँ पर पश्चिम में मानसरोवर झील है जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है। इसका आकार सूर्य की तरह है, जबकि दक्षिण में राक्षस ताल है झील है जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही राक्षस ताल झील का जल मनुष्य के चेहरे के समान है। यह दावा किया गया है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की रंग बिरंगी रोशनी आकाश में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है हो सकता है यह चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता रहता है। लेकिन कुछ भी हो, यह रहस्य आज भी दुनिया के सामने रहस्य ही है। कैलाश पर्वत को घन पर्वत और रजत गिरी भी कहते हैं। मान्यता है कि यह पर्वत स्वयंभू है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल और पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है।